दिल्ली में जल संकट से हर कोई बहुत परेशान है। दिल्लीवासी बहुत ज़्यादा इस भीषण गर्मी में जल संकट जिसके वजह से हर दिल्लीवासी परेशान है। ऐसे में दिल्ली जल मंत्री, आपको बता दें, आतिशी जो कि अनशन पर काफ़ी दिनों से बैठी हुई थी, भूख हड़ताल कर रही थी, ऐसे में उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। ये वीडियो देखिए किस तरीके से आतिशी को अचानक से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। जी हाँ, आप पहले ये वीडियो पर नज़र डालिए और देखिए कि आतिशी जिनकी तबीयत खराब हो गई है, अचानक उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई, डॉक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए कह दिया और कहा गया कि अगर उन्हें जल्दी एडमिट नहीं किया गया तो उनकी जान भी जा सकती है। जी हाँ, आतिशी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है जो कि लगातार 3 दिन से अनशन पर बैठी हुई थी। ऐसे में अब मैं आपको बता दूं कि लगातार हम दिल्ली में जो ये जल संकट चल रहा है इस पर हम देख रहे हैं किस तरीके से भीषण गर्मी के बीच दिल्लीवासी परेशान हैं, पानी के टैंकरों के पीछे दिल्लीवासी भाग रहे हैं। ये लगातार हम इन तमाम विजुअल्स को हम देख रहे हैं, इन तमाम तस्वीरों को हम देख रहे हैं, ये वीडियोस सामने आ रही हैं तो लोगों को परेशान कर रही हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगातार एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही है। ऐसे में संजय सिंह का बयान भी सामने आया है, एक ओर आतिशी हॉस्पिटल में एडमिट है और दूसरी ओर संजय सिंह का बयान है कि वो जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखेंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी थी लेकिन उसका जवाब नहीं आया। मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला यही है कि दिल्ली में जो जल संकट आया है, जहां 613 MCD पानी हरियाणा से एक एग्रीमेंट था जिसमें चुनाव के परिणाम आने के बाद 100 MCD पानी कम कर दिया गया, इतनी भीषण गर्मी में दिल्लीवासी सरवाइव कर रहे थे। ऐसे में ये पूरा का पूरा खेल सियासी खेल बनता जा रहा है, जहां बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी एक ओर बीजेपी पर निशाना साध रही है, उसे जिम्मेदार ठहरा रही है, दूसरी ओर बीजेपी आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही है। संजय सिंह ने साफ तौर पर बोला कि अरविंद केजरीवाल ने पाइपलाइन बिछाई थी, हमारा एग्रीमेंट हरियाणा सरकार से था, हमने हरियाणा सरकार से बात भी की और कहा भी कि भाई हमें जो हमारे एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमें पानी दिया जाए 613 MCD, लेकिन 100 MCD पानी कम दिया जा रहा है। और ऐसे में जो ये पानी की कटौती है, ये दिल्ली वासियों के लिए एक कहर की तरह है, क्योंकि भीषण गर्मी में पानी एक सहारा होता है। ऐसे में पानी ना आना दिल्ली वासियों के लिए एक सबसे बड़ा संकट बनकर सामने आई है। ऐसे में संजय सिंह लगातार अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये भी कहा कि वो जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से चिट्ठी लिखेंगे, क्योंकि जो उन्होंने पहले चिट्ठी लिखी थी उस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगने के लिए चिट्ठी लिखने वाले हैं। आतिशी, आप देख रहे होंगे किस तरीके से आतिशी जो है उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई, वो लगातार अनशन पर बैठी हुई थी जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह से अस्पताल में एडमिट किया गया। संजय सिंह ने बताया कि डॉक्टरों ने जब ये कहा कि उनकी जान पर खतरा है और उन्हें एडमिट कराना ही पड़ेगा और इसके लिए आतिशी को एडमिट किया गया है। ऐसे में इस पूरे मामले में दिल्ली जल संकट में साफ तौर पर दिल्ली वासियों के लिए संजीवनी कौन बनकर आता है, ये देखना बाकी है। तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।